NH2 में अगर हम क्लोरोफॉर्म डालेंगे और KOH डालेंगे तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है और साइड बिल्कुल, प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर मेरे पास RNH2 होगा और अगर उसे हमें RNC बनाना है तो मुझे कौन सी रिएक्शन करवानी पड़ेगी? कार्बन अमाइन रिएक्शन, राइट? ओके यस कृति, अब मैंने यस कुछ हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन भी बताया था, क्या था वो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, सर हम वो Br2 ऐड करते हैं अमाइड में, शायद अमाइड ठीक है, तो में बनता क्या उससे, क्या था हमारे पास और क्या बन जाएगा अगर मैं हॉफमैन करवा दूंगा? अमाइन। वेरी गुड, तो RCONH2 अगर मेरे पास है और अगर हमें RCONH2 से अगर RNH2 लेकर आना है तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा? हॉफमैन ब्रोमाइड करवाना पड़ेगा, राइट गाइस? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस सर। तो ये हमारे पास था अमाइंस के बारे में कुछ हमने जो रिएक्शंस पढ़ी थी, ठीक है भाई? तो अब जो हमारे पास आ रहा है ना, देखो अब हमारे पास जैसे एक बात बताओ, डाइजोनियम रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन तो हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, इफ यू हैव नोटिस दैट भाई, डाइजोटाइजेशन की जो रिएक्शन है वो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, रिमेम्बर? तो अगर मेरे पास एनिलिन होता है और एनिलिन के अंदर अगर मैं NaNH2 प्लस के HCl डालता हूँ तो क्या बन जाता है, कोई बता सकता है? वेरी गुड, डाइजोनियम सॉल्ट। और ये तो हम फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं डाइजोनियम, और फाइनली आज वो पॉइंट आ गया जो जिसके बारे में डिस्कशन करना है। तो अगर मुझे डाइजोटाइजेशन करना होगा तो बताओ हम क्या लेते हैं डाइजोटाइजेशन के लिए, बता सकता है कोई? वंशिका, एनिलिन वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मान लो एनिलिन, तो इस एनिलिन के अंदर मान लो मेरे, मान लो ये NH2 था यहाँ पे, तो मुझे कौन से रिएक्शन लेने पड़ते हैं? NaNO2 प्लस का HCl, राइट? कोई टेम्परेचर भी होता है क्या? 272 से 278 तक। वेरी गुड, तो मेरे पास क्या बन जाता है, जीरो से सर 5 डिग्री सेल्सियस, क्या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है ना? अच्छा ठीक है, वही एक ही बात है। तो ये N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर मेरे बच्चों? अब क्या देखो आगे जाके ना एक रिएक्शन आने वाली है, जब मैं डाइजोनियम सॉल्ट में पढ़ाऊंगा ना, आई मीन इसके लिए अलग से टॉपिक है, तो इसके अंदर जब मैं H3PO2 डालूंगा तो ये मेरे पास फिर से भी क्या बन सकती है, बेंजीन बन सकती है। अगर तुम्हारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है और डाइजोनियम सॉल्ट से अगर तुम्हें फिर से बेंजीन चाहिए तो तुम उसके अंदर क्या डालोगे, H3PO2। लेकिन अगर एनिलिन है, एनिलिन से अगर तुम्हें डाइजोनियम बनाना है तो क्या डालोगे, NaNO2 प्लस का HCl। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अनन्या, अगर मेरे से क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हारे पास एक मान लो नाइट्रो बेंजीन है और नाइट्रो बेंजीन से सिर्फ बेंजीन बना के दिखाओ तो क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स में आ रहा है? अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये नाइट्रो बेंजीन है, मान लो नाइट्रो बेंजीन, और तुम्हें बोल रहा है कि सिर्फ इससे बेंजीन बना के दिखाओ तो क्या करना चाहिए, जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। अरे मुझे पता है, मुझे पता है। यस कुछ तुम बताओ। अरे भाई पहले इसका रिडक्शन कर देंगे, तो जब रिडक्शन करोगे तो ये NO2 से क्या बन जाता है मेरे पास, NH2 बन जाएगा। यस सर। भाई रिडक्शन करने से मेरे पास क्या होता है, NO2 से NH2 बन जाता है, लास्ट क्लास में बताया था ये, तो ये मेरे पास NH2 बन जाएगा। फिर इसका डाइजोटाइजेशन कर दो, तो डाइजोटाइजेशन करने से ये क्या बन जाएगा, NH2 से N2 प्लस Cl माइनस। और अभी एक सेकंड पहले मैंने क्या बताया, जब तुम इसके अंदर H3PO2 डाल दोगे तो फिर से बेंजीन बन जाएगा। भाई बताया नहीं बताया ये सेम चीज? यस सर। सोचना बड़ा आसान है, बस दिखने में ऐसा लगता है कि बस मतलब बहुत बड़ा होगा, ये बहुत आसान होता है सोचना, बस इसको देख के लग रहा होगा कि बहुत टफ है, नहीं टफ। किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, दिस इज माय डाइजोटाइजेशन। सारे बच्चे हेडिंग डालें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो एनिलिन होता है मेरे पास कंपाउंड, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। हमने कर लिया था क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या नहीं किया था? अच्छा पहले बात एक बात बताओ, ये अमाइन जो होता है, अमाइन के पास लोन पेयर होता है, यस और नो?
Yes. तो अगर हमारे के पास अगर लोन पेयर है तो बताओ वो लोन पेयर अंदर जाएगा नहीं जाएगा बेंजीन के अंदर? Yes, sir. तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा या पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव. ये लोन पेयर है, लोन पेयर अगर अंदर चला गया तो अंदर चला गया तो नेगेटिव चार्ज आएगा इन सब जगह पे या पॉजिटिव चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन मिल गया है एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तभी तो नेगेटिव चार्ज आया, तभी तो मैंने ये साफ साफ देखा इलेक्ट्रोफिलिक, तो कौन अटैक करने वाला आ रहा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग राइट, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जो बेचारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं. यहाँ पे इनको देखिए अमीर लोग बैठे हैं, तो अमीर लोग को देखते ही क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, चलो लूटो. इज दैट क्लियर श्रेया? नहीं बस पूछ रहा हूँ, इज इट क्लियर श्रेया? ये क्लियर है कोई डाउट इसमें? नहीं. ओके सर. सर हाँ, मेरी ना एक अभी स्कूल की क्लास है, मतलब वो दो चार टीचर्स का मिक्सअप पता नहीं क्या है, तो मैं जाऊँ? हाँ, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. हाँ जा सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग देख रहा है. ठीक है यस सर. ओके तो बाय बोल दो कृति. तो ये मेरे पास मान लो ये NH2 दे रखा है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये NH2 दे रखा है, अब यहाँ पे लोन पे अगर ये नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं, तो मान लो अगर तो मैंने इसके ना ब्रोमिनेशन करवा दिया Br2, ठीक है, तो अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाऊंगा तो जरा बताना वो ब्रोमिनेशन में कहाँ कहाँ पे दिखेगा? अरे अमीर लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं? ऑर्थो पैरा. तो इसका मतलब अगर मैंने देखो ये एक्सिस में भी डाला हुआ है मैंने ब्रोमिन, तो ऑर्थो पैरा पे डाला हुआ है, तो देखो अब मेरे पास मुझे क्या बताओ, मैंने ये 3Br2 क्यों लिया? क्यों? क्योंकि ये इस पोजीशन पे आना चाहते हैं, तो इस पोजीशन से हाइड्रोजन पहले से ही लगे हुए हैं, तो इससे पहले तो हाइड्रोजन हटेंगे, तो वो हाइड्रोजन इस Br के साथ जुड़ेंगे तो 3 तो HBr निकल जाएगा, अब 3Br और बचे तो फिर वो लग भी तो जाएंगे, यस और नो? तो 6Br में से 3Br तो लग ही गए, और जो 3Br बच गए वो कहां चले गए? जो इन पोजीशन से हाइड्रोजन निकल के आए, इन सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना पेंजिन पे, तो Br निकल गए. नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर. ये फिनॉल में भी किया था ना सर? क्या सर? फिनॉल में भी किया था ये वाला? बिल्कुल एग्जैक्टली यस. ये ऐसी चीजें पहले भी आ चुकी हैं, बताओ सेम चीज है. ऐसे ही कुछ नाइट्रोजन के साथ भी हुआ था. नाइट्रोजन के साथ? नाइट्रोजन वाला तो यही पढ़ रहे हैं. नहीं एक था इधर NO2. तो ये मेरे पास क्या है? तो ये मेरे पास हो गया सिंपल मतलब ब्रोमिनेशन. किसमें करवाया ब्रोमिनेशन? एनिलीन के अंदर. यहां तक वो NH2 नहीं लगेगा उसके ऊपर? ओ सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल इसके बिना कैसे, वो कैसे हट गया? वो तो लिखा हुआ है मैंने, ठीक है बिल्कुल सही. यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अरे बोलो. नहीं सर. ठीक है, अब मान लो अगर मुझे नाइट्रेशन करना हो, तो देखो नाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है. नाइट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है, मान लो इसके ऊपर NH2 लगा हुआ है, और जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं ना, तो नाइट्रेशन करते टाइम ना हमारे पास ना कुछ सिनेरियोज यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं, आई मीन कुछ फिनोमिना यहाँ पे टेक. देखो HNO3 के साथ में क्या लेता है, H2SO4, तो ये H2SO4 जो है ना ये H+ देता है, तो वो जो ये H+ देता है ना, तो H+ देने से होगा क्या, यहाँ पे जो ये HH ऑलरेडी है एक, तो और ऊपर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है NO2, तो इसे हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन की वजह से वो नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, इसका मतलब NO2 पॉजिटिव पे तो बिल्कुल नहीं आता. लेकिन ये देखो इस वाली एनिलीन पे क्या कोई कोई गरीब दिख रहा है तुम्हें? या तो अमीर है या मिडिल क्लास है, एम आई राइट? या तो नेगेटिव है या नॉर्मल है, यस और नो? यस सर. क्योंकि जो मेटा वाला है वो नॉर्मल और बाकी सारे रिच है, तो NO2 रिच वाले पे तो आता ही आता है, ठीक है, साथ में अलग से वो मेटा पे भी आ जाता है. और इसका जो फिनोमिना होता है इसे हम क्या बोलते हैं, बिकॉज ऑफ प्रोटोनेशन. ये जो H2SO4 मैंने लिया ही H+ देता है, तो इस H+ से, इस H+ से मेरे पास वो मेटा के पास भी जुड़ जाता है, जिससे इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन की वजह से. तो इस एनिलीन के अंदर ऐसा देखा गया है कि मेरे पास यहाँ पर ये जो मैं एनिलीन लेता हूँ तो ऑर्थो पैरा पे तो आएगा ही आएगा, साथ में मेटा पर भी आ जाता है, तो ये इसका मतलब ये यहाँ पर भी आएगा. अच्छा मैक्सिमम तो यही होगा क्योंकि सिमेट्री होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ दी H2SO4 तो वो मेरे पास पैरा मेटा पे भी अटैक मारता है, तो
तो मेरे पास मेटा पर भी आएगा एनओ और ऑर्थो पे तो आना ही आना है। तो इसका मतलब अगर मैं एनिलिन का नाइट्रेशन कर रहा हूं तो नाइट्रेशन सिर्फ ऑर्थो पैरा तक सीमित नहीं है, मेरे पास मेटा पर भी आ रहा है, जिसका रीजन क्या बोलते हैं हम, बिकॉज ऑफ द हाईली प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन का मतलब H+ आयंस की वजह से मेरे पास ये H2SO4 से जो आया है तो मेटा पर भी ये जुड़ सकता है। ठीक है भाई, तो ये एक सेकंड वंशिका, मैंने क्या बोला यहाँ पे, क्या स्पेशल बात आई है नाइट्रेशन में? सर नाइट्रेशन में ये स्पेशल बात आई है, प्रोटोनेशन की वजह से जो ये नाइट्रोजन ग्रुप है ये मेटा पे भी जोड़ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोल, अच्छा तो कैन आई से ओके इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मेन रीजन फॉर NO2 इज गोइंग टू अटैच ऑन द मेटा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कैन आई से आल्सो लाइक बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रांग एसिडिक मीडियम? कैन आई से दैट? तो स्ट्रांग एसिडिक मीडियम में तो ऑब्वियसली बात है प्रोटोनेशन भी आएगा, और प्रोटोनेशन भी आएगा भाई एसिडिक में, एसिडिक का मतलब क्या होता है, H+ आयन देगा, H+ आयन देगा, तो उसी रीजन की वजह से मेरे पास ये प्रोटोनेशन होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है तो ये मेरे पास, अच्छा पैरा वाला हाईएस्ट क्यों है वैसे? पैरा वाला सबसे ज्यादा है क्यों? सिमेट्री। बस सिमेट्री या कुछ और भी? फिट्स इनटू द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस वाला पॉइंट। सर क्या चल रहा है, मैंने लेट ज्वाइन किया भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है। हाँ कोई कुछ कह रहा था सर? हाँ हाँ बोलो सर, रिपीट करना। अच्छा अच्छा देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे हैं, तो जब भी NH2 होता है, NH2 के ऊपर लोन पेयर होता है, तो ऑर्थो और पैरा पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जब भी मैं इलेक्ट्रोफाइल लूंगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जब भी वो इस बेंजीन के इस एनिलिन के ऊपर अटैक मारेंगे, तो ऑफ कोर्स ही बात है ना, जहां जहां पे नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, वहां वहां पे क्या लग जाएंगे, पीआर लग जाएगा। तो देखो पीआर लग गया, नहीं लग गया ऑर्थो मेटा पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे, मेटा पे नहीं। लेकिन जब भी मैं नाइट्रेशन करता हूँ तो नाइट्रेशन वाला ऑर्थो पैरा पे तो है ही है, लेकिन साथ में वो मेटा पे भी लगता है, और इसका रीजन क्या देते हैं, बिकॉज ऑफ द हाईली एसिडिक ग्रुप, बिकॉज ऑफ द हाईली प्रोटोनेशन। तो मेरे पास एनिलिनियम आयन बन जाता है, और वो एनिलिन आयन क्या 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 चीज को ऑक्यूपाई करवाता है, बिकॉज ऑफ द मेटा डायरेक्टली। देखो इस चीज को ना, वैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखो H2SO4 होता है तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, NH4+ बन जाएगा। ये एक तरह से मेरे पास क्या NH4+ बन सकता है? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। तो ये जो NH4+ है ना, ये अमोनियम जो आयन है, ये वाला ग्रुप जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो जब बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाएगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग भी है। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर मान लो कुछ पोर्शन H+ के साथ नहीं जुड़ा, भाई टेस्ट ट्यूब में हो रही ना ये सारी रिएक्शन, तो लोन पेयर भी तो है, तो लोन पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, और H+ आयन गेन होने की वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो दोनों ही बातें हो रही है यहाँ पे। ऑर्थो और पैरा पे भी करवा रहा है लोन पेयर, और H+ जो इसने गेन कर लिया वो मेटा पे भी करवा रहा है। तो बताओ कहाँ कहाँ पे जुड़ेंगी चीजें? तीनों पे जुड़ेंगी ना? Yes, sir. तो ये ऑर्थो, yes, और ये पैरा, ये किसकी वजह से हुआ है, आयन की वजह से या लोन पेयर की वजह से? आयन मेटा वाला लोन पेयर। सर एक बार फिर बता दो, समझ नहीं आया। सर हाँ हाँ सुन लिया मैंने। मेरे पास NH4+ है, मुझे एक बात बताना ऊपर वंशी का, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ये वाला, ये देख रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर, तो जरा बताना एक बार, ये जो NH2 है, NH2 के ऊपर लोन पेयर होता है, yes, तो NH2 के ऊपर जो ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर नीचे आएगा या नहीं आएगा? आएगा। रेजोनेंस, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे दिख रहा है सर? एक तो ऑर्थो पे, पैरा पे। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लूंगा जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, गरीब होता है, तो वो कहाँ कहाँ पे अटैक मारेगा? इलेक्ट्रो इन मेटा, ऑर्थो और पैरा पे ना? हाँ ऑर्थो पैरा। तो देखो हमने क्या करा, नाइट्रेशन करवाया, तो नाइट्रेशन से देखो ऑर्थो पर भी जुड़ गया,
ठीक है, आई मीन पैरा पे जुड़ गया और औरतों पर भी जुड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। अब दिक्कत ये है कि ये मेटा पे क्यों आया? अभी तो हमने देखा नेगेटिव चार्ज रिमूव प्रोटोनेशन की वजह से। अब देखो ये इस पे क्यों आया है, क्योंकि हमने क्या करा, हाईली एसिडिक मीडियम लिया, हाईली एसिडिक मीडियम H+, तो वो NH2 जो है ये वाला, और ये सॉरी NH3+ था ना, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये NH2 ग्रुप है और ये H+ है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, NH3 NH3+ बन जाएगा। और ये जो एनिलीनियम आयन बना है, ये एनिलीनियम आयन क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, तो अगर तुम कोई सा भी ग्रुप डालोगे तो वो मेटा पे लग पाएगा, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड था मेरे पास, ये दोनों ही चीजें करवा रहा है, राइट, ये ऑर्थो पे पैरा पे भी लगवाएगा और बिकॉज ऑफ द एनिलीनियम आयन ये मेटा पे भी लगवाएगा। तो बताओ कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, सिर्फ ऑर्थो पैरा या फिर मेटा भी बनेगा? मेटा भी बनेगा। समझ में आ गया अनन्या? अनन्या ठीक है। दीक्षा, ऑर्थो पैरा के लिए रीजन क्या है? ऑर्थो पैरा के लिए ये है कि जब लोन पेयर अंदर जाता है तो नेगेटिव चार्ज मेटा, ठीक है ना, इसे बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, यस प्लस आर इफेक्ट। हां, और ये जो मेरे पास आया है, ये जो मेटा पे आया है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो H NH3 बन जाता है और उसकी वजह से वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। हां, वो एनिलीनियम आयन बन जाता है, ठीक है ना सर। सर एक और क्वेश्चन था, अभी आपने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था, पैरा हैज हायर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो ऑर्डर वाइज पूछा था, उसका क्या आंसर था? क्या एक आपने पूछा था ना, पैरा पे हाईली मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा गया, तो इसका आंसर क्या था? बिकॉज़ इट फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस एंड सिमेट्री, बिकॉज़ ऑफ सिमेट्री एंड इट फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस, तो सिमेट्री को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसीलिए, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखो सल्फोनेशन। अब NH2 है मेरे पास, तरफदार, कोई डाउट है क्या, तरफदार है या नहीं है? एक सेकंड, रितेश। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। अच्छा, एक बार जरा तरफदार को एक बार जरा मैसेज में लिख दो, तरफदार प्लीज ज्वाइन, वो शायद टाइम की वजह से कंफ्यूज होते हैं हमेशा, वो शायद 8 बजे ज्वाइन करेगा। चलो रहने दो, तो आने वाला होगा, रहने दो। ये मेरे पास NH2 है, ये मेरे पास H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये NH2 और ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो इससे क्या बन सकता है? तो देखो मुझे एक बात बताओ, होगा क्या होगा? डिहाइड्रेशन। SO3H। हाँ बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल SO3H आता है, तो इसका मतलब, क्योंकि जो वहां से O होता है और यहाँ से H2 निकल जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लूंगा, तो जब भी हम H2SO4 कराते हैं तो क्या चीज अटैच होती है भाई, SO3H अटैच होता है। तो ये मेरे पास थोड़ा सा मार्ग चल ले रहा है, तो थोड़ी कोऑपरेट करो, तो कहाँ कहाँ पे जुड़ेगा जरा बताना एक बार। ऑफकोर्स ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा, तो ये मेरे पास SO3H है और मेरे पास कहाँ आ जाएगा, ये SO3H, ठीक है भाई, H जो मेरा अलग निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं आता सल्फोनेशन? नो सर। अच्छा, अब ना मेरे पास फ्रीडलक्राफ्ट ये रिएक्शन होती है, जैसे एल्काइलेशन हो गया, राइट। तो एल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी CH3 या एसाइलेशन जो होता है, एल्काइलेशन डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, क्या NH2 एनायलिन? हाँ, तो सर उसमें मैंने मतलब उसमें देखा था कि एक ही मतलब बेंजीन में उसने ऑर्थो और पैरा पर मतलब दोनों पर ही लगा दिया था, अलग अलग नहीं करा था। एक सेकंड, वो जब होता है जब मेरे पास हम एक्सिस में लेके चलते हैं, और वो भी सिर्फ पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए होता है, हर रिएक्शंस के लिए नहीं, कुछ लिमिटेड रिएक्शंस ही होते हैं, और जब तुम्हारा रिएजेंट एक्सिस में होता है तब ये हम कर पाते हैं, ठीक है। ये शायद मैंने पढ़ाया था एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर, ये वाला था। तो हर किसी के लिए वो नहीं वैलिड है कि एक ही के अंदर बना दोगे, दो तीन रिएक्शन है बस, ज्यादा नहीं है,
मोस्टली रिएक्शंस के अंदर अलग अलग बनता है, ठीक है। अच्छा अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो एनिलिन होता है वो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ना तो फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करता ना एसाइलेशन करता, क्या रीजन होगा इसका? और ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, तो बताओ ऐसा क्यों होता होगा? सर रिपीट करना क्वेश्चन। जब भी एनिलिन के अंदर हम फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं या एसाइलेशन करते हैं तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि AlCl3 रिएक्ट कर जाता है। वेरी गुड दीक्षा, शाबाश, एक बार तालियां बजाएं लोग, बिल्कुल सही बोलिए। तो फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन में जो AlCl3 हम लेते हैं राइट, वो ही उससे ही कंबाइन कर जाता है, वो NH3 के साथ ही रिएक्शन कर जाता है, तो क्या फिर वो CH3 को लगा पाएगा? जैसे मान लो मेरे पास ये NH2 है, ठीक है, तो अगर तुमने ये NH2 लिया है तो NH2 में हम कौन सा रिएक्शन लेते हैं भाई? जैसे मान लो AlCl3 राइट, एनहाइड्रस, तो जैसे तुम एनहाइड्रस AlCl3 लोगे ना, अच्छा ये AlCl3 एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ पे ये लोन पेयर है, तो ये आया तो था किसी और का काम करवाने के लिए, लेकिन ये अपना ही काम करवा बैठा। जैसे तुम स्कूल में क्या करते हो कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बनवा दे, तो जब तुम जाते हो बेस्ट फ्रेंड, वो खुद ही उससे बेस्ट फ्रेंड बन जाता है राइट, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। कुछ याद आ रहा है कुछ? तो ये बेचारा क्या था, दूसरे का CH3 लगवाना, लेकिन ये खुद ही इससे अटैच हो गया, तो जब ये खुद ही अटैच हो गया तो क्या दूसरे को मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो वो दोस्ती कर ही नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। तो ये मेरे पास क्या बना लेगा, ये मेरे पास एक एक इंटरमीडिएट बना लेगा AlCl3, तो ये AlCl3 इस तरीके से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, वो नहीं बना पाएगा। इज इट क्लियर? तो अब ये कैसे क्या है, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव, तो ये बताओ ये एक मेरे पास सॉल्ट बन गया, नहीं बन गया? तो ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन, तो नाइट्रोजन का जो है एनिलिन का, वो एक पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा, और पॉजिटिव, अब पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया, तो अब ना तो CH3 आ पाएगा ना COCH3 आ पाएगा। सर AlCl3 होगा ना, आपने AlCl3 लिखा। अरे भाई ठीक है, AlCl3, ठीक है भाई। तो NH2+ और AlCl3, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या होगा, एक संकृति, इफ आई आस्क फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ एनिलिन, व्हाई इज इट सो? सर AlCl3 NH2 के साथ मिलके सॉल्ट बना लेता है और रिएक्शन तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है पहले की तरह, या फिर पॉजिटिव हो जाता है, या कुछ और हो जाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाता है। इज इट क्लियर दीक्षा, आर्यन, कृति, खुश? यस सर। यस यस सर। मेरे पास इलेक्ट्रो फिलिक सब्स्टिट्यूशन, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। नो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर खत्म होने वाला है, अब हेडिंग डालो सारे बच्चे, डाइजोनियम सॉल्ट्स। हमारा एनिल ऑलमोस्ट खत्म हो गया चैप्टर, अब बस एक टॉपिक बचा हुआ है, डाइजोनियम के बारे में ही पढ़ना है हमें। अच्छा डाइजोनियम सॉल्ट की, सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मूला? NaCl जैसे अगर मान लो Rn2+Cl- राइट, Rn2 और X- Cl-, या फिर बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, यस N2+X- का मतलब Cl- हो सकता है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? अरे बताओ। नहीं सर। तो ये मेरे पास डाइजोनियम की मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। अच्छा तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूंगा स्टेबिलिटी की, देखो सारे बच्चे याद रखना, मेरे पास अभी ये वाला क्या, ये तो मेरे पास एल्काइल डाइजोनियम है, ठीक है, और जो नीचे वाला है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है एराइल डाइजोनियम, ठीक है ना, एक है एल्काइल वाला जो एलिफेटिक है, और एक मेरे पास एराइल जो कि बेंजीन है, तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता होगा क्या लगता है, एरिन डाइजोनियम या एल्काइल डाइजोनियम? सर नीचे वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा वही होता है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए? नहीं सर, वो क्या दिया था रीजन? अरे यस तुम बताओ दीक्षा, सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। हाँ हाँ, एक है मेरे पास एल्काइल डाइजोनियम एलिफेटिक जैसे CH3 N2+Cl-, और एक है मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर N2+, ये दो टाइप के डाइजोनियम है, एक एलिफेटिक और एक मेरे हिसाब से बेंजीन वाला होगा। बेंजीन वाला के रीजन क्या होना चाहिए सर? वही रेजोनेंस वाला होगा, क्योंकि दोनों भी तो हो सकते हैं, एक ही क्यों, दोनों भी तो हो सकते हैं, क्या लगता है? नहीं बेंजीन वाला। बेंजीन वाला, अच्छा ठीक है। और कोई भाई, और कोई कुछ बोलना चाहता है?
किसी को कुछ नहीं बोलना आता होगा तब तो बोलेंगे। सर क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया? अरे मेरे भाई ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे अब? ये मेरे पास है एल्काइल, एल्काइल डाइजोनियम। यस सर। और ये मेरे पास है एरीन डाइजोनियम। ऊपर वाला एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? सो ऊपर वाला एलिफेटिक है और नीचे वाला एरोमेटिक है। तो ये बस स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक स्टेबल होगा ना। बिल्कुल सही सोचा एक बार, बिल्कुल सही। एरोमेटिक वाला स्टेबल होगा और एलिफेटिक वाला स्टेबल नहीं होगा। ये बात तुमने बिल्कुल सही बोली और आई एग्री, बट अब रीजन है ऐसा क्यों, ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है मेरे पास? देखो N2 plus Cl minus है तो क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूँ N को, क्योंकि N N के बीच में डबल बॉन्ड इस तरीके से हो रहा है। अरे देखो NCl ट्रिपल बॉन्ड। अभी ये वाला जो नाइट्रोजन है इसे इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, तो जब ये इसे इलेक्ट्रॉन को छीनेगा तो चलो ये वाला तो हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव और ये N plus क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यस और नो, एम आई राइट? तो ये जो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को किससे लेने की कोशिश करेगा, जरा कुछ सोचना भाई। अगर इस पे लोन आ गया तो अभी लोन कहां से लेने की कोशिश करेगा, नीचे वाले से या ऊपर वाले से? बेंजीन। अगर एक दोस्त के पास कर्जा हो गया है तो वो किससे कर्ज मांगेगा फिर, अपने वाले दोस्त से? यस या नो? जैसे मान लो कृति है, कृति ने दीक्षा से पैसे लिए। अगर कृति ने दीक्षा से पैसे लिए कि मेरा तो हक है, तो दीक्षा ने कहा कि ठीक है मैं दे रही हूँ पैसे, लेकिन अब कृति पैसे दे नहीं रही है, लेकिन दीक्षा एक दिन से मिल गई और उसने बोला कि पैसा दे नहीं तो कल तक तो सोच नहीं सकती। तो अब कृति कहेगी कि ऐसा रूप कि अच्छा से लद दिया तूने मेरी दोस्ती का, ठीक है? तो अब क्या हुआ, तो अप्रीति किसको कॉल करेगी? तो अप्रीति ने वंशिका को कॉल करके, वंशिका तो अभी वंशिका को बोले कि तू बन जा मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो फिर वंशिका उसे पैसे दे सकती है ना, कि कोई बात नहीं, तो यही तो चलता है। तो अब इस पे जाने पे मतलब के लिए बना रहे हो बेस्ट फ्रेंड भी और क्या ये दुनिया बहुत मतलब ये भी तो पता नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, बस मैं नहीं हूँ, ठीक है? तो मेरे पास क्या है, ये एन प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेगा, राइट? तो जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेगा तो बताओ इस पे कमी थोड़ी सी पूरी होगी या नहीं होगी? कृति ने वंशिका से पैसे लिए तो कृति ने तो पैसे दे दिए, अब फाइनली लोन किस पे आ गया? कृति पे। अबे वंशिका पे पागल, वंशिका अबे मैं ही क्यों, तो पैसे दे दिए ना। अच्छा अच्छा लोन, अच्छा वंशिका पे आ गया, पागल भाई यार, ठीक है। अब इसने इससे ले लिए, अब मुझे बताओ तो अब इस पे पैसे की कमी होगी? अब वंशिका ने कॉल कर दी थी, कृति ने फोन ही नहीं उठाया, ब्लॉक कर दिया, ठीक है? अब वंशिका ने क्या किया, कविया को कौन कॉल किया कि काव्या कोई बात नहीं तो थी तो डांस ही बहुत अच्छा करते थे, काम करेंगे थोड़ा पैसे वैसे देते हैं, तो उसने क्या करा फिर, फाइनली पैसे दे दिए काव्या ने। फिर काव्या जैसे पैसे लिए उसने दो मिनट के अंदर वंशिका ने ब्लॉक मार दिया, यहाँ पे भटक मच गई उसकी, अरे आंटी आई ना तो वहीं पे तोड़ दूंगी। तो फाइनली अब लोन किस पे आ गया, काव्या पे, ठीक है? फिर अब काव्या कह रही अब तो कुछ गड़बड़ है, तो काव्या ने सीधे कॉल किसको घुमाया, आर्यन, 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 तो जानते ही है कि तो इसने क्या करा, आर्यन बस आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं 1000 का एक्स्ट्रा कर दूंगा। तो फाइनली क्या हुआ, तो ये अब कमी यहाँ पे आ जाएगी। तो फाइनली एक बात बताओ, तो ये जो कमी थी पॉजिटिव चार्ज की, एक तरह से देखो अब लोहन बेशक आर्यन भदौरिया पे आया लेकिन फैला तो सबके ना भाई, अंदर अंदर तो एक तरह से सब फील करेंगे कि लोन मेरे पे है, तो ये कोई भी आके फेल दिया जा सकता है, बाहर आके कोई ना कोई मार सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, तो रास्ते में तो कोई भी ऐसे पकड़ सकता ना किसी को, प्योर भाई कोई भी धप्पा मार दे प्योर भाई, हाँ ऐसे, तो इसका मतलब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज आपस में फैल गया या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर है? फैल गया। तो इस डिस्पर्सन की वजह से ही देखो चीजें ना एक तरह से फैल गई है, क्योंकि तो कभी ऐसा होता है इस केमिस्ट्री में इस तरीके से समझो, कभी कभी मान लो अगर चीजें जैसे टेंशन होती है, टेंशन को अगर हर किसी से डिस्कशन करते हैं तो टेंशन कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है? कम हो जाती है, मतलब अपने मन से कम हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि कहना सपोर्ट आ दिया अब सब टेंशन लेंगे, तो वैसे तो ज्यादा हो गई, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके नहीं सोचना है। टेंशन अगर तुम्हें बताइए तो वो तुम्हें सजेस्ट करेंगे फाइनली टेंशन कम हो जाएगी, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज एक पे था, अब एक से क्या हो गया बहुत लोगों में फैल गया। तो जब मुझे पता, जब किसी भी इशू का अगर खिचड़ी बन जाए उधर से उधर, उधर से उधर, तो लोग क्या कहते हैं,
अरे यार अब खत्म करो यार जो भी है, ठीक है कोई बात नहीं, पहले चला गया जाने दो, अब और मुझे नहीं पढ़ना, हाँ ठीक है मेरा पैसा क्या कोई बात नहीं। ऐसे करते हैं लोग कि बहुत झंझट हो गया, बहुत रायता फैल चुका है, तो फाइनली वो खत्म करने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर हमारे पास क्या बोलेंगे इसे, तो पॉजिटिव चार्ज मेरे पास डिस्पर्स हो गया या कम हो गया, डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स से मेरे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखो अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सर स्टेबिलिटी कैसे बढ़ गई, अरे भाई मुझे एक बात हो, तुम सब ने दूसरे से कर्ज लिया था तो तुम्हारी एक तरह से दोस्ती बनी रहेगी या टूट जाएगी, देखो तुमने लोन लिया था तो तुम्हें वो याद आता रहेगा कि इसने मैं पैसे लिए हैं छोड़ूंगा नहीं मैं, तो बहुत साल तक तुम याद करोगे, फिर भी याद रखोगे ना कि इसने को पैसे दिए थे और वो मैंने दिए भी नहीं थे, राइट। तो उस तरीके से दोस्ती तो कायम रहेगी, वरना किसी से कोई मतलब नहीं होता दोस्ती भी याद नहीं रहती, तो इसलिए लोन लो सबसे खुद करवा के और पैसे मत दो, दोस्ती भी रहेगी। तो पॉजिटिव चार्ज, सर की दोस्ती ऐसी चल रही है मेरी दोस्ती, मैं ऐसा नहीं कहता किसी से भी नहीं लिया, मेरा भी नाम आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगे मुझे भी, बनाऊंगा आर्यन कैसे मांग सकते हैं काव्य से पैसे, चलो भाई अच्छी बात है, ठीक है तो याद, अरे ये है यहाँ पे, अरे वाह ये सब सुन रहा है, मुझे लगा ये यहाँ पे है ही नहीं, देखो जब से लेकर इसने कोई कोई नाम नहीं लिया, जैसे किसी एक का नाम आया तुरंत हो गया एकदम, अरे बस बस सुना नहीं, जब से इतनी स्टोरी चल गई इसने कुछ नहीं बोला कुछ भी एकदम एकदम, और जैसे किसी अच्छे से का नाम आया एकदम तुरंत बोला हमेशा, वो याद ना हैरी पॉटर में बोलता है हमेशा, तो तुमने मन के अंदर बोला ऑलवेज, कितने अच्छे हम, मुझे पढ़ाते थे उनका दिमाग चल गया, अच्छा चलो ठीक है, हमारे पास एक एनएलएन है, ऑफ कोर्स ही बात है एनएलएन पढ़ रहे तो वही होगा, ठीक है अब मुझे एक बात बताओ, एनएलएन से अगर मैं डाइजोनियम सॉल्ट बनाऊंगा तो अभी भी मैंने एक सेकंड पहले बताया कि कितना टेम्परेचर लेना चाहिए मुझे, 278 लेना चाहिए, राइट। अच्छा तो वो जो मैं HCl लेता हूँ तो सिर्फ HCl की जगह पे सिर्फ Cl होना चाहिए या फिर Br भी ले सकते हैं, या Br भी ले सकते हैं सर, Br भी ले सकते हैं, ठीक है तो सारे बच्चे याद रखना ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाहे तो एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, तो मैं रिएजेंट को हम ये याद रखो NaCl प्लस का और क्या लेते हैं हम HCl, राइट। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखो, इस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत भाई, नो सर, ठीक है। और स्टेबिलिटी में भी कौन स्टेबल है मेरे पास, एरोमेटिक, yes, और जो मेरे पास होते हैं एलिफैटिक, एलिफैटिक वाले स्टेबल नहीं होते, नहीं होते, सही बात, ठीक है भाई। अब लिखो सारे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, देखो भाई आप मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ना दो चीजें आ रही हैं सारे बच्चे याद रखें, हाँ बोलो बोलो सर, ये ऑफ के बाद क्या लिखा है, ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डॉक्टर नहीं बन पाओगे कभी, ठीक है तो एक मेरे पास है क्या, मैथ लिया सर, तो एक है हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट, नहीं अगर बायो लेते तभी नहीं बन पाता, तो एक मेरे पास क्या है डाइजोनियम सॉल्ट की, डाइजोनियम सॉल्ट तो मेरे पास लेना ही पड़ेगा, तो मेरे पास ना दो चीजें हैं सारे बच्चे ध्यान रखना, एक आ रही है मेरे पास सैंडमेयर रिएक्शन, ये सैंडमेयर रिएक्शन पहले भी आ चुकी है अगर तुम्हें याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में, सैंडमेयर रिएक्शन क्यों, जब तुम्हें मैथ में बताया था हेलो एल्केन, याद है हेलो एल्केन बनाने के लिए, तो ये वहां पर आया था सैंडमेयर, नहीं याद आ रहा किसी को, याद है तो दो रिएक्शन ये चीज तुमने पहले से पढ़ रखी है, सैंडमेयर और गेटरमैन, याद है किसी को, रिएजेंट कौन सा लेना है, ऑलमोस्ट सेम बस थोड़ा सा फर्क है,
सारे बच्चे बोलेंगे Cu2Cl2 प्लस HCl, सारे बच्चे बोले प्लस को हम हैश करके भी बोलते हैं, तो सारे बच्चे बोले Cu2Cl2 प्लस HCl, Cu2Cl2 प्लस HCl, अब सारे बच्चे बोले Cu2Br2 प्लस HCl, Cl के जगह Br2 प्लस HCl, Cu2Br2 प्लस HCl, हाँ तो जब भी मेरे पास उसकी जगह CuBr और HBr भी तो हो सकता है, एक सेकंड रुक जा, हाँ 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 Cu और HBr तो वो बन जाएगी गेटर में, तो अगर मैं Cu और HBr लूंगा, सिर्फ Cu लूंगा, Cu2Cl2 नहीं, बस रिएजेंट के नाम से ही मेरे पास क्या रिएक्शन चेंज हो रही है, क्या क्योंकि वो साइंटिस्टों ने दिया, तो सैंडवेन ने क्या करा, इसने बोला कि प्यारे प्यारे बच्चों अगर तुम्हारे पास कोई सा भी डाइजोनियम सॉल्ट है उस पे हम N2Cl लगा देते हैं, माइनस है तो आप उसके अंदर क्या डाल दो, Cu2Cl2 डाल दो, Cu2Br2 डाल दो और HCl डाल दो, तो मेरे पास क्या बनकर आ जाएगा, हेलोएरीन, राइट भाई, हेलो लिया तो हेलो तो बनेगी, ऊपर Cl नीचे Br, और ये देखो N2 मैंने बताया हमेशा अलग होता है, राइट, ये N2 हमेशा अलग हो जाता है और ये Cl इसमें लग गया, तो ये मेरे पास कौन सी रिएक्शन आई, सैंडमेयर, अब बस रिएजेंट अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो अगर मैं रिएजेंट क्या ले लेता, Cu प्लस HCl, नहीं आया समझ, अगर मैं बस रिएजेंट चेंज कर दूं, बाकी डिटो पूरा सेम, बस बस मैं रिएजेंट चेंज कर रहा हूं और कुछ चेंज नहीं कर रहा, Cu2Br2, अरे भाई Cu और HCl, सर किसमें, गेटर में, अच्छा सैंडमेयर की दूसरी बता रहे हो क्या, हां Cu Cl, अरे वो ठीक है, वो एक ही बात है, ठीक है Br ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, लेकिन सारे बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे कॉपर पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, तो ये जो एक्स है ये तो सीएल है मेरे पास और ये जो सीयू है, तो इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, सीयू एक्स बनकर आता है, ठीक है ना, तो मेरे पास ये बन जाएगा सीयू एक्स, ठीक है भाई, क्योंकि सीएल दो दो हो गए ना मेरे पास इसीलिए, ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर मान लो ये एक्स था मेरे पास, तो ये वाला एक्स और ये वाला सीयू तो जुड़ जाएगा और ये वाला सीएल इसके यहाँ पर आएगा, तो फिनोमेना अलग है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, तो मुझे एक बात बताओ कृति, ये सैंडमेयर और गैटरमैन में एक सिमिलैरिटी है बहुत मोस्ट कॉमन सी, क्या सर, भाई हेलोएरीन बनता है, हाँ मेरे पास हेलोएरीन बनता है, जो फर्स्ट चैप्टर में था, राइट, फर्स्ट चैप्टर ये तो था हेलोएरीन, हेलोएरीन और किससे बनता है, डाइजोनियम से बनता है, राइट, यस, अच्छा अब एक डिफरेंस भी है, क्या डिफरेंस है, एक सेकंड डिफरेंस बताएगी मेरे को, पंछी का डिफरेंस क्या है इनमें, हेलो, हाँ वंशिका, क्या बात है, क्या हुआ सर, सॉरी सर मेरी ऐसी आवाज नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, बोलो बोलो, क्या हमारी नहीं होता, तुम्हारी सुल्लू होता है, हाँ तुम्हारी, हेलो मारी तुम्हारी एक ही बात है, एक थप्पड़ पड़ेगा बदतमीज, नॉटी हो रहा, तो मैं देख के लगता भी है मुझे कि सब एक ही है वाले, यस वंशी का सर सैंडवेयर में Cu2Cl2 यूज किया है और नीचे हमने सिर्फ कॉपर यूज किया है, यस, तो अगर रिएजेंट हम लेंगे Cu2Cl2 प्लस HCl, तो अच्छा वंशी का अगर मान लो एक बच्चे ने Cu2Cl2 लिया, अब Cu2Cl2 एक लड़की आई ने कहा चल बदतमीज, उन्हें Cu2Cl2 हटा के Cu2Br2 कर दिया, तो क्या उसने बोला अच्छा तुमने सैंड में किया फिर गैटर में कर दिया, तो एक ही बात है क्या वो, और क्या, अरे एकदम एक बात है, बिल्कुल 100% एक बात, एक सेकंड चुप रहो, मैंने क्वेश्चन कुछ और बोला, क्या है, अगर Cu2Cl2 हटा के एक लड़की ने उसको Cu2Br2 दे दिया, तो वो सैंड मेयर से गैटर में बन गई, राइट, हां देखो जो मैं बोल रही हूँ तो आप सुन नहीं रहे हो, एक जो मैं बोल रही हूँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर एक मशीन लगा दी जाए लैपटॉप पे ऐसे करके सीधे इतने बोले थप्पड़ लगेंगे तुम्हारे, अच्छा चलो ये सब हटाओ, यहाँ पर किसी को दिक्कत तो नहीं है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक रिएक्शन बताया कि अगर तुम्हारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है
और ये आयरन बताएगा, आयरन बहुत एक्साइटेड है, एंड प्लस सी एल माइनस है, और मैंने इसके अंदर एच थ्री पीओ टू डाल दिया, तो जरा बताना क्या बनेगा। इसी का ये, इसी का इसके अंदर मैंने एच थ्री पीओ टू डाल दिया, तो क्या बनेगा मेरे पास जरा बताना प्यारी प्यारी बच्ची। नाइट्रो बेंजीन बनेगा। अरे वाह, बेंजीन बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था प्यारे प्यारे बच्चों किसी को, कि जब इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर हाइपोफॉस्फोरस डालता हूँ, हाइपोफॉस्फोरस का मतलब H3PO2 डालता हूँ, तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेंजीन। बेंजीन, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। विदुषी, विदुषी गूंग है सर, उसकी आवाज चली गई। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? ठीक है यार, कोई बात। ओके, अब देखो, अब अभी भी एक सेकंड पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई क्या, कि अगर मेरे पास ये जो H3PO2 डाला मैंने, चलो बेंजीन बना दिया फाइन, लेकिन अगर मान लो मेरे को अगर किसी भी मतलब ये मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, और डाइजोनियम सॉल्ट में मुझे डायरेक्ट क्लोरीन लेकर आना है, फ्लोरीन को लाना बहुत मतलब इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी होता है, तो हमें क्या डालना चाहिए? ये रिएक्शन आई थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो। यस सर, वो याद है HBF4? HBF4 डालेंगे सर, बल्ज में रिएक्शन हुई थी, पता नहीं। गुड, तो मेरे पास अगर N2+ और Cl- है, एक सेकंड, अगर मैं इसके अंदर HBF4 डालता हूं, हीट भी करेंगे सर, HBF4 डालने से सबसे पहले मेरे पास क्या बनता है इसका, एक इंटरमीडिएट, राइट? तो इंटरमीडिएट कैसे बन जाएगा, देखो एरोमेटिक के ऊपर N2 तो था ही था, अब मेरे पास क्या बन जाएगा, BF4- और ये बन जाएगा मेरे पास BF4-, क्यों? क्योंकि यहाँ का H और यहाँ का Cl तो निकल गया। यस सर, तो N2+ और BF4, सॉरी मैंने N2 लिख दिया, ये बन जाएगा मेरे पास, क्या हुआ रिते, समझ नहीं आ रहा? नहीं, H और Cl मेरा अलग निकल के आ गया। अब तुम्हें बस क्या करना है, देखो जब हम से हीट करते हैं, तो हीट करने से मेरे पास BF3 और N2 टूट जाता है, N2 में टूट जाता है, तो BF3 भी निकल गया यहाँ से और N2 भी निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा, बचेगा बस एक फ्लोरीन बचा, फ्लोरीन, तो बस एक फ्लोरीन बचा, बाकी सब के सब निकल गए, निकल गए N2+ का BF4। ये सारे के सारे लोग ऐसे, तो दोस्ती होने का बहुत दावा करते थे, हम हमेशा रहेंगे साथ, हम दोस्ती निभा के रहेंगे, पिंकी प्रॉमिस, जैसी एकदम हीट करा इनको, सब भग लिया अपने घर, N2 बना ले, भग लिया शर्म आनी चाहिए, तरफदार बेटा सेकंड पोजीशन लेकर आ गया इस बार, तो क्या हो गया, क्या हो गया, मैं शर्म आनी, तुम्हारा भी ना मार देना है, बताओ एक कारण कहाँ है और एक कारण कहाँ है, वो तो यहाँ, अच्छा कहाँ है, एक आदित्य से बहुत कुछ सीख रहे हो तुम, है और क्या हाल चाल है उन दोनों के, वो तो घूमते ही रहते हैं आदित्य, उसके तो स्टडीज होते रहते हैं जब देखो रोड उसके, तो तुम भी होते हो गाड़ी में या फिर वो अकेला होता है? मैं नहीं होता सर, सच से बताओ, मैं तुझको बताऊंगा नहीं, अकेले ही होता वो, फिर आता मेरे पास, भाई पुलिस ने पकड़ लिया मुझे, डंडे मारे, क्या करूं बता, क्या सही में पकड़ ली थी उसको, फिर डंडे पड़ते हैं, सूजी लेने जाता वो सूजी लेके आता है, ये बोल चुप हो जाओ, लेने जाता है ना, लेकिन लेके तो कुछ और ही आता वो, तुम चुप हो जाओ सारे, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? अरे भाई यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? अरे देखो बस एक लास्ट रिएक्शन, अगर मान लो तुमको बोल दिया जाए कि तुम्हारे पास एक एनिलिन था, एनिलिन से तुम्हें बनाना है फेनॉल, तो ये रिएक्शन तुम्हें एक लास्ट याद रखनी है, कि मान लो अगर तुम्हारे पास यही मेरे पास था एरोमेटिक कंपाउंड था, मतलब ये मेरे पास क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, इस डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर तुम H2O डाल दोगे, क्या डाल दोगे, H2O, अरे ये किसी घर से आवाज आ रही है, साल पुरानी, तो इससे हमने क्या करा, तो जब हम H2O डालेंगे तो एक से तो S से तो S से निकल जाएगा, एक N2O अलग हो जाएगा, बचा OH, तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा प्रेशर मेरे पास, फिनॉल, हाँ मतलब OH, फिनॉल, OH, तो H2O से H+ और OH निकलता है, एक H और Cl, HCl निकल के N2 अपना अलग, N2 हमेशा अपना अलग ही टूटता है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये मेरे पास बन जाएगा फिनॉल। चैप्टर खत्म, एक सेकंड, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है भाई?
नहीं सर। इच्छा, इशिका, रितेश। नो सर। नो सर। सर डाउस रिएक्शन भी तो कर सकते थे। है? अरे भाई ये कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि ऐसा भी होता है, तो ऐसा भी होता है। मैं ये नहीं कहते हैं कि सर पैसे भी तो जा सकते थे, चार रास्ते हैं, चार रास्ते बारह तुम कह रहे हो, नहीं नहीं हम तो इस रास्ते भी जा सकते थे। अरे भाई बिल्कुल जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन चार रास्ते दिखाने तो पड़ेंगे। जाओ मेरे से जाओ कन्वर्जन। हाँ तुम तो कहीं और रास्ते से जा रहे हो, आओगे यही। अच्छा एक लास्ट रिएक्शन तुम्हारे ऑर्गेनिक की, इसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। ज्यादा एक्साइट मत होना कपलिंग के नाम से, तो कपलिंग रिएक्शन है। भदौरिया मुस्कुराहट तो सर आपकी फेस पर है, मेरे मुंह पर बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं है। ठीक है तुम्हारी जैसी परफॉर्मेंस आई है ना, मुझे नींद भी नहीं आती, टेंशन में। किसने उड़ा रखे सर आपकी नींद? अच्छी आई है सर, मेरे को तो आगे नींद कैडी वाली। तो क्योंकि हमारे पास अभी फेनॉल बना है और तरफदार ने सर की नींद चुरा ली है, तो देखो एक डाइजोनियम और ये फेनॉल। अब देखो कभी भी डाइजोनियम फेनॉल लेते हैं तो फेनॉल का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं कपलिंग। देखो डाइजोनियम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, N2 + Cl - राइट। और अब बेंजीन पे तो देखो बेंजीन के हर कोने पे हाइड्रोजन होते हैं जो हमें दिखती नहीं है, एम आई राइट? यस सर। तो देखो यहां का H और यहाँ का Cl, मतलब तो ये वाला H ये Cl को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, कितने बड़े पास में मेरे, तो मेरा दोस्ती हो जाए। तो माय गॉड, तो ये से कहती है नहीं की भी और कुछ कुछ, तो ये H+ और ये वाली Cl क्या हो जाएंगे, नहीं मिल गए ये चले जाएंगे, तो पिकने पे चले जाएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर इनके घर में भी एक कमरा खाली होगा, इनके घर में भी, तो फाइनली क्या होगा, ये दोनों एक ही घर बना लेंगे मिलकर, तभी कपलिंग नाम। अच्छा असल कमरे खाली हो गए, कपल निकल गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये N2 जुड़ जाएंगे ना। हाँ जुड़ गए, ज्यादा बदतमीजी मत करो, अभी कपल लगेगा ना तो सारा जुड़ जाएगा तुम्हारी बॉडी का पार्ट। यस तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? नो। दीक्षा तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। इसका नाम क्या होगा दीक्षा? देखो अभी मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास बना है पूरा का पूरा, तो इसका नाम तो मैं बोलना है, सारे बच्चे लिख लेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी, सारे बच्चे लिखे, बना है ना अभी। हाँ हाँ हाँ, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। कैसा? पैरा हाइड्रोक्सी एजो, एजो डाई होता है हमारे पास, एक एजो डाई, अभी टेस्ट पढ़ेंगे उस पे, एजो ए जेड ओ। ना ना मत पढ़ाओ सर। पैरा हाइड्रोक्सी एजो डाई बेंजीन, पैरा। अच्छा कुछ कुछ साइड प्रोडक्ट भी निकला है क्या? अच्छा कौन से वो दो लोग थे बदतमीज? HCl निकला ना, HCl निकल गया। तो ये मेरे पास क्या है भाई मेरे बच्चों, ये है मेरे पास कपलिंग रिएक्शन। Is it clear to everybody? अच्छा मान लो अगर OH की जगह पे NH2 होता तो क्या वो इफेक्ट होता कुछ? सर फिर वो अमाइनो हो जाता। हाँ तो ये N2+ मान लो होता Cl, बस कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ पे OH को हटा के क्या लगा दोगे, NH2 भी लगा सकते हो, तो NH2 भी लगा दोगे तो वो भी क्या होगा, फिर से मेरे पास HCl निकल जाता, राइट? और क्या क्या लग सकता है? बेंजीन NN, देखो वही सेम चीज है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, और यहाँ पे NH2, तो इसका नाम क्या होता है मेरे पास, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन। एजो बेंजीन पहले हाइड्रोक्सी था और अब क्या बन जाएगा, अमाइनो। वेरी गुड विदुषी, यस कहना चाहती हो क्या विदुषी? तो पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, क्या बोल रहे हो? कोई भी डाउट है इसके अंदर? अच्छा कल कोई नहीं, कलर भी पूछ लेता है इसका। देखो जब ये फेनॉल था तो इसका क्या कलर था, सारे बच्चे याद रखेंगे, ऑरेंज कलर। ऑरेंज 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 Orange. सर वो आपका यूएस वाला स्टूडेंट क्या बोल रहा, समझ में आ रहा था आपको? यार आता ज्यादा नहीं, एक्चुअली जब वो स्लो बोलता है तो आता, लेकिन जब वो फास्ट बोलता है तब थोड़ा मुश्किल। अरे हाँ वो अपने में बड़बड़ाता है फिर वो बहुत कभी कभी, तो वो बहुत फास्ट बोलता है, मुझे बोलना पड़ता है पार्डन या कैन यू रिपीट अगेन, वो फिर से। क्या नाम है, क्या नाम है यार उसका नाम अभी बोला तो, पार क्या, अबे पार्डन रिपीट, पार्डन। अच्छा पार्डन रिपीट, नाम से आएगा तू? मैं तो नाम है, काव का नाम बताओ तुमने? मुकेश। ये अच्छा ये मेरे पास है येलो, ठीक है, ये येलो डाई क्या होती है, येलो होती है ऑरेंज, ठीक है। हाँ सतरंगी, सतरंगी को समझ में आ गया? सतरंगी, ओ माय गॉड सर के फेवरेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे किसी को दिक्कत है भाई? तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे फाइनली ऑर्गेनिक का होता है समापन, लेकिन ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है जब तक कि हम कुछ टेस्ट ना कर लें, ठीक है। टेस्ट का मतलब कुछ यहाँ पे कुछ टेस्ट आएंगे जिसका नाम है इंसाइजन टेस्ट,
सर एक और रिएक्शन नहीं होती जिसमें वो साइनाइड लगाते हैं CuCN लेते थे अच्छा ठीक है ठीक है वो भी ले सकते हो सीएन भी लगा सकते हैं जैसे कि जैसे मान लो अभी मैंने ये रिएक्शन करवाई थी ठीक है जैसे ये गैटमैन हो गया ये सैंडमेयर हो गया तो सैंडमेयर में ही तो आता है सर वो अब बिल्कुल लगा साइनाइड अरे जैसे कि हमने क्या लिया था Cu2Cl2 लिया था Cu2Br2 लिया था उसी अकॉर्डिंग वो CuCN भी ले सकते हो ये मैं फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं इसलिए मैंने डिटेल में नहीं लिया बिल्कुल लगा सकते हो लिख लो एक सेकंड अगर मेरे पास डाइजोनेम होता है उसमें अगर CuCN और KCl लोगे तो CN भी लग सकता है बिल्कुल वेरी गुड कुछ लोग जैसे नीचे में मैंने गैटमैन का जैसे इसी में बताया था मान लो CuSCl तो उसी में तुम CU और HBr भी ले सकते हो ठीक है ना किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर नो सर अच्छा तुम क्या नाम है इसका आर्यन भदौरिया ये मैंने कुछ गैब्रियल पेटलामाइड रिएक्शन बताई थी कुछ याद है तुम्हें गैब्रियल पेटलामाइड क्या था सर उसमें बिल्कुल सही जा रहे हो एच कौन बोल रहा चला गया क्या मैंने लीव कर दिया किसी और से पूछ लो चरण तो आते नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा अब देखो अब ना सारे बच्चे एक अरे वो एलिफैटिक कुछ के लिए प्रिपरेशन के लिए यूज होता था ना अगर मान लो तुम्हारे पास हां अभी बताते हैं अगर मान लो तुम्हारे पास प्राइमरी अमाइन दे रखा हो पहली बात तो ये सुन लो कि उसे हमने क्या बनाया था प्राइमरी अमाइन बनाया था ठीक है जो मैंने क्वेश्चन पूछा अब एक सेकंड छोड़ो अगर मैं मेरे पास हाइजेनबर्ग टेस्ट है मान लो अगर तुम्हें प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन दे रखा है ठीक है और तुम्हें इसको कंपेयर करना है वही टेस्ट जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट होते हैं ठीक है मेरे पास टोरेंट टेस्ट है मेरे पास ये तो इतने सारे टेस्ट उन्होंने बता रखे हैं नहीं नहीं अभी बाद में होगी तो हमारे पास क्या है अब हाइजेनबर्ग टेस्ट होगा तो सारे बच्चे लिखे हाइजेनबर्ग टेस्ट किसी घर से आवाज आई थी वैसे लोल लोल किसी घर से थी मैं तो चौंक सा गया सारे बच्चे लिखे हाइजेनबर्ग टेस्ट देखो इस हाइजेनबर्ग टेस्ट के अंदर ना हमारे पास एक रिएजेंट होता है ठीक है और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं सारे बच्चे बोलेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एवरीबॉडी प्लीज से इट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड सबके सब बोले दीक्षा यस सर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड सब बच्चे बोलेगा ये एक करके यस बेंजीन सल्फोनाइल आरएन बेंजीन सल्फोनाइल यस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दिख भी नहीं रहा सर ये कलर से क्या है कौन सा कलर है ये तारे जमीन पर सल्फोनाइल बेंजीन पता नहीं कौन सा कलर देखा सब पीला पीला ये क्या है मेरे पास बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है अब देखो अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अमाइन है ठीक है अगर तुम्हारे पास प्राइमरी अमाइन है और प्राइमरी अमाइन के अंदर अगर तुम ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालते हो ठीक है तो मेरे पास क्या आता है तो मेरे पास पोटेशियम सॉल्ट आता हो तो तुम ये बोल सकते हो मेरे पास कैसा सॉल्यूशन आएगा क्लियर सॉल्यूशन क्या आएगा क्लियर सॉल्यूशन आएगा तो जब भी मैं प्राइमरी अमाइन के अंदर क्या डालता हूं ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालता हूं यहां तो कोई दिक्कत नहीं है रीकनेक्टिंग कौन हो रहा है क्लियर सॉल्यूशन अच्छा अब मान लो क्या बोल रहे हो तुम एक सेकंड पता नहीं कोई रीकनेक्टिंग हो रहा है देखो अच्छा ये तुम ग्रिड कनेक्ट के नाम से आ गए होगे अच्छा ठीक है चलो जाओ अच्छा देखो सेकेंडरी अमाइन होगा तो जब तुम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालोगे तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास इनसॉल्युबल सब्सटेंस देगा तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस देगा तो इसका मतलब वो क्या है मेरे पास सेकेंडरी और जो टर्शियरी अमाइन है वो टर्शियरी अमाइन कभी रिएक्ट करता ही नहीं है ठीक है अच्छा देखो तो बच्चे यहाँ पे कहते हैं अच्छा सर रिएक्ट कर नहीं रहा और सेकेंडरी में तो इनसॉल्युबल आया तो हमें पता कैसे चलेगा कौन से किसने कर दिया किसने नहीं किया तो देखो जब हम ये सॉल्यूशन डालते हैं ना हाइजेनबर्ग रिएजेंट जो कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है तो इसके बाद हम एसिड भी डालते हैं तो देखो प्राइमरी अमाइन के अंदर मैंने क्या डाला था जब मैंने प्राइमरी अमाइन के अंदर ये डाला था बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड मान लो ये मेरे पास क्या है प्राइमरी अमाइन तो जब मैंने ये डाला बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बी एस सी कर रहा हूँ
ये बैचलर ऑफ साइंस नहीं है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है। तो क्या आया था, कौन सा सोल्यूशन आया था जरा बताओ एक बार, क्लियर सोल्यूशन। और क्लियर के अंदर जब हमने एसिडिफिकेशन किया था तो एसिड डालने के बाद वो क्या बन जाता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, एसिड डालने के बाद क्या बन जाएगा, इनसॉल्युबल। तो ये तो प्राइमरी अमाइन की फीचर। अब मान लो अगर मेरे पास सेकेंडरी अमाइन दे रखा है, ठीक है, मतलब आर टू और कुछ उसके अंदर कुछ भी डाल रहा हो, ठीक है, तो सीसी और आर टू हो सकता है। तो अगर मेरे पास ये सेकेंडरी अमाइन है, अगर तुम इसके अंदर भी क्या डालोगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अभी मैंने क्या बताया था, ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, राइट। पहले ही अगर वो पहले ही इनसॉल्युबल हो गया और एसिड डालने से कुछ भी फर्क नहीं हुआ, नो इफेक्ट, जैसा था वैसा का वैसा ही है, नो इफेक्ट, मतलब अभी भी इनसॉल्युबल है, तो वो क्या मेरे पास सेकेंडरी अमाइन। और अगर टर्शियरी अमाइन होगा तो कुछ भी नहीं होगा, तो टर्शियरी अमाइन में वो कभी रिएक्ट करेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, जैसा था वैसा का वैसा ही, बस नथिंग, कुछ नहीं होगा, नथिंग, एकदम मतलब डजंट रिएक्ट एट ऑल, एक और एक्शन, रिएक्शन। तो भाई समझ में आ गया, तो मेरे पास हिंसबर्ग रिएजेंट में क्या डालते हैं हम, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इससे हम किस चीज को टेस्ट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। भाई अच्छा ठीक है, अच्छा याद है मैंने एक रिएक्शन बताई थी, कार्बोलामाइन रिएक्शन, कुछ याद आया, कार्बोलामाइन रिएक्शन, कुछ याद आ रहा है अभी था? तो ये जो आर एन सी होता है ना, इसकी स्मेल बड़ी गंदी सी होती है, बड़ी फॉल स्मेलिंग होती है। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर भाई? ठीक है भाई, तो इसी के साथ फाइनली तुम्हारा ऑर्गेनिक पूरी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, जोरदार स्वागत किया जाए, और फाइनली अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्लास में अपना फिजिक्स के और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो गाइस आई होप कि इसके क्वेश्चन वेशन तो कराओगे ना, बाद में करवाएंगे करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी ऑर्गेनिक को और टाइम। अरे अरे मत करो सर, अरे अरे सर बाद में कर लीजिएगा, पूरा ऑर्गेनिक ही करेंगे। ठीक है, अरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइस ये पूरी खत्म है, बाकी मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास। अभी मत बंद करना सर, तेल पर हूं सर, रुक जाओ। तो ये मेरे, अच्छा तो मैंने क्या बोला, कार्बोलामाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं हम, प्राइमरी के लिए। तो कार्बन, एक सेकंड, इशिका इशिका सर मत पूछो, कार्बोलामाइन टेस्ट जैसे प्राइमरी अमीन है, तो जैसे हम क्या डालते हैं इसके अंदर, CaCl3। तो जब हम CaCl3 प्लस KOH डालते हैं, तो मेरे पास कैसी स्मेल आती है, अच्छी स्मेल या गंदी सी स्मेल? गंदी स्मेल, फॉल स्मेलिंग आती है, राइट? इज इट क्लियर? अच्छा कृति, यस सर, कार्बोलामाइन का रिएजेंट क्या होता है? अभी तो बताया CaCl3+KOH, हाँ जी बोलो सर, ये सेकेंडरी अमाइन में लास्ट में क्या लिखा है, नो चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।